सुरभि, तुमने मेरा लाइसेंस देखा है क्या? वही होगा। तुमने बेडसाइड वाले ड्रॉर में चेक करा? हाँ, देख लिया। अच्छा तो अलमारी में चेक करो एक बार। ये क्या है क्या? सुरभि? व्हाई आर यू स्टिल ऑन दीज पिल्स? हमने डिसाइड किया था ना क्या डिसाइड किया था अनुज? दैट वी गो टू स्टार्ट अ फैमिली, देन व्हाई आर यू स्टिल हैविंग दीज पिल्स? डिसाइड किया था? सो यू आर सेइंग वी डिसाइडेड टू हैव अ बेबी एंड आई डिड नॉट नो अबाउट इट? सुरभि, मैं कोई पागल नहीं हूं जो मन घड़त कहानियां बना के तुम्हें बता रहा हूं। हमारी बात हुई है इसके बारे में, वी डिस्कस दिस। रिमेंबर जब हर्ष और छाया के साथ हमारी वीडियो कॉल हो रही थी एंड दे वर टेलिंग अस हाउ दे प्लानिंग टू स्टार्ट अ फैमिली नाउ एंड वी गॉट टू टॉकिंग आफ्टर दैट। कैसे पिछले एक डेढ़ साल में हमारे कितने सारे फ्रेंड्स के बेबीज हो गए एंड मे बी द लॉकडाउन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट अ फैमिली एंड वी गॉट टू टॉकिंग आफ्टर दैट। उसी के बाद तो हमने डिसाइड किया था। डिस्कस किया था अनुज, ना कि डिसाइड। देयर इज अ डिफरेंस। आई सेड दैट आई एम ओपन टू द आइडिया ऑफ हैविंग किड्स, बट दैट डजंट मीन कि आज अभी और इसी वक्त। अरे पर तुमने उसके बाद मुझे वो वीडियो भी तो भेजा था, यू नो, ऑफ दैट चाइल्ड हैविंग नूडल्स विद हिज डैड एंड हाउ दे आर हैविंग अ नाइस लाफ टुगेदर, दे आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। देयर वाज अनुज, वीडियो भेजने से क्या होता है? ऐसे तो मैंने तुम्हें जिराफ वाली वीडियो भी भेजी थी, बट दैट डजंट मीन कि अब घर में जिराफ ले आएंगे। कट इट यार सुरभि, मैं क्या बोल रहा हूं, तुम क्या बोल रही हो? कि यू स्टार्टेड विद इट। ओके, तब बात नहीं हुई थी तो आज क्लियरली बात कर लेते। लेट्स हैव अ बेबी। अनुज, आई एम सॉरी, आई एम नॉट रेडी। यार तुम कब रेडी होगी? तुम 3 साल से यही सुन रहा हूं, आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी। 6 साल हमारी शादी को हो चुके, अब तो लोगों को बताने के लिए बहाने भी खत्म हो गए मेरे पास। लोगों को बताने के लिए मतलब? So you want that we should have a baby? क्योंकि लोग क्या कहेंगे? That's not what I'm saying. At least try and understand what I'm trying to say. उस दिन मॉम डैड भी बोल रहे थे, you know, that they would want a grandchild now and they are getting old. अनुज, हमारे पेरेंट्स तो मंडप से शुरू हो गए थे यार। पेरेंट्स का ग्रैंड पेरेंट्स बनने का मिशन इतना ऑब्वियस है जितना आसमान में तारे। I know they want grandchildren. I know they're getting old, but so are you. Getting old. देखो सुरभि, हम दोनों अपने 30s में हैं। अभी भी अगर हम ट्राई करना शुरू करते हैं एंड इफ यू लकी वील बी पेरेंट्स बाय व्हेन, बाय द टाइम वी आर इन आवर मिड 30s। हम दोनों के करियर्स अच्छे हैं, वी लव ईच अदर। इफ देयर वाज एवर अ राइट टाइम टू डू दिस, इट्स नाउ। And I feel we should celebrate our love and bring a new life into this world. Anuj, I know you have a million reasons to have a baby. But I just have a single reason to not have one. I'm not ready. Surbhi, wo kehte hai na that nothing can prepare you for motherhood. So it's perfectly fine if you're not ready. It's normal. You think हमारी मॉम से किसी ने पूछा था if they're ready to be mothers? हमारी मॉम के पास चॉइस थी क्या? And forget about others. I can only say for myself. Don't you think it'll be unfair to that child, knowing that I don't want one, but I still bring him or her into this world? What if मैं बाद में इस डिसीजन को रिग्रेट करूं? You know, life में सारे decisions बदले जा सकते हैं. A bad marriage, a sour relationship. करियर चॉइस, बट हैविंग अ बेबी इज द बिगेस्ट पॉसिबल डिसीजन फॉर मी एंड मैं अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूं। आई वॉन्ट टू हैव अ चाइल्ड व्हेन आई एम रियली रियली श्योर एंड रेडी फॉर इट। एंड व्हाट इफ यू आर नेवर रेडी?
अनुज और सुरभि की कहानी तो आपने देख ली, बट अगर आप अनुज की जगह होते या आप सुरभि की जगह होते तो आप क्या करते? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड कीप वॉचिंग लाइफ तक।